हेलो दोस्तों। तो यार आज अपन बात करने वाले हैं सिक्किम यूनिवर्सिटी के बारे में। तो भैया सिक्किम यूनिवर्सिटी की तरफ से क्या अपडेट है, मेरे को समझ नहीं आ रहा है हमारा एडमिशन होगा कि नहीं होगा, एडमिशन के लिए क्या सारा सीन है CUET वाले बच्चों के लिए। तो यार कंप्लीट के अंदर डिस्कस करने वाले हैं आज अपन, वीडियो में एंड तक जो है जरूर बने रहिएगा। तो ये देख सकते हो काफी सारे नोटिसेस वगैरह आजकल रोज आ रहे हैं रिगार्डिंग द एडमिशन, एंड यहाँ पे स्पेशल ड्राइव UG एंड अदर अदर स्टार्ट हो चुके हैं। ठीक तो ये देखो ये नोटिस आया है PhD वालों के लिए, ये PG प्रोग्राम के लिए है, ये PG के लिए है, ये हॉस्टल में एडमिशन लिस्ट 21 बैच, एडमिशन नोटिस स्पेशल ड्राइव SC ST वालों बच्चों के लिए, UG कोर्स एडमिशन। ओके UG का तो प्यारे बच्चों ये देख सकते हो नोटिस वगैरह यहाँ पे सारा सब कुछ डाला जाता है। हालांकि इसके रजिस्ट्रेशन तो काफी पहले क्लोज हो चुके थे, देख सकते हो 20 तारीख का ये नोटिस है और हमारी लास्ट डेट थी रजिस्ट्रेशन की वो थी 27 सितंबर, राइट। कुछ शेड्यूल वगैरह की अगर अपन बात करें तो 13 अक्टूबर लास्ट डेट था हमारे प्रोग्राम्स का। अब भैया मेरिट लिस्ट का क्या प्रोसेस है, वो कब आ रहा है? तो यार सीट अलॉटमेंट कैसे देखना है, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको यहाँ पर लॉगिन बटन पर क्लिक करना है। जैसे आप लॉगिन बटन पर क्लिक करते हैं आपका पोर्टल आपके पास खुल जाएगा। डैशबोर्ड में आपको एक्शन पे जाके चेक कर लेना है, एक्शन में आपको सीट पेमेंट का ऑप्शन दिख रहा होगा, राइट। अब अपन देखते हैं यार उसका क्या सिस्टम है हमारा मेरिट लिस्ट का, और मेरिट लिस्ट हमें कहाँ शो कर रहा होगा। तो यार अभी तक तो इसकी तरफ से कोई भी मेरिट लिस्ट के रिगार्डिंग अपडेट नहीं दी गई है, एंड अभी ये शायद जल्दी मेरिट लिस्ट के रिगार्डिंग एडमिशन डाल दें। यहाँ पे एडमिशन नोटिस एक और डाल रखा है लोगों ने, इसमें क्या लिख रखा है, इसमें लिख रखा है सिक्किम यूनिवर्सिटी इनवाइट्स एप्लीकेशन एडमिशन PhD। ओ माय गॉड, सच कहें तो यार इन CUET वालों ने जो है परेशान कर दिया बच्चों को भी और यूट्यूबर्स को भी, बहुत ही ज्यादा परेशान कर दिया गाइस। आप लोगों का क्या कहना है इसके बारे में मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए, लेकिन सच कहूँ तो मेरे को तो बहुत ही ज्यादा परेशान कर दिया। बच्चे परेशान होते हैं, पेरेंट्स परेशान होते हैं, वो हमारे लोगों को कॉल करते हैं, जब वो कॉल करते हैं ऐसे ऐसे सवाल आते हैं, हम खुद परेशान हो जाते हैं कि भाई क्या करें, इनको इतनी परेशानी हो रही है, हमको इतनी परेशानी हो रही है, जब जो लोग बेचारे गाँव में रह रहे हैं वो तो बेचारे कैसे ही सह रहे होंगे, तो क्या ही कर सकते हैं गाइस। इसके लिए मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा, थैंक यू।